नमस्कार, विज्ञान दर्पण के इस नए अंक में आपका स्वागत है। विज्ञान दर्पण एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और शोध की दुनिया के सभी महत्वपूर्ण समाचार लेकर उपस्थित होते हैं। मैं हूं नितिन भट्टाचार्य और आइए एक नजर डालते हैं इस हफ्ते की सुर्खियों पर। आवर्त सारणी की 150वीं वर्षगांठ पर यूनेस्को ने वर्ष 2019 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ द पीरियोडिक टेबल के रूप में मनाने का फैसला किया। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने चेन्नई में सौर ऊर्जा तथा जल शोधन के लिए प्रौद्योगिकी मिशन केंद्र का शुभारंभ किया। नौवां राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव 27 से 31 जनवरी तक मोहाली में आयोजित। वैज्ञानिक अभिरुचि को प्रोत्साहन देना और आम आदमी के बीच विज्ञान की पहुंच बढ़ाना है उद्देश्य। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने गर्मी, सर्दी, खारेपन और संक्रमण का सामना करने वाली टमाटर की नई प्रजाति विकसित की। रसायन विज्ञान की किसी भी प्रयोगशाला की दीवार पर एक सारणी जरूर नजर आती है जिसे हम आवर्त सारणी के नाम से जानते हैं। इस ऐतिहासिक आवर्त सारणी का निर्माण रूस के रसायन विज्ञानी दिमित्री मेंडलीव ने 1869 में किया था। उन्होंने ज्ञात तत्वों को उनके रासायनिक तथा भौतिक गुणों के अनुसार लंबवत तथा क्षैतिज कतारों में स्थापित किया। ये एक अनोखा साधन है जिसके जरिए वैज्ञानिक तथा शोधकर्ता धरती या ब्रह्मांड में मौजूद किसी भी तत्व के रंग रूप तथा गुणों का पूर्वानुमान लगा सकते हैं। विज्ञान की दुनिया में इस अभूतपूर्व पड़ाव की 150वीं वर्षगांठ पर यूनेस्को ने वर्ष 2019 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ द पीरियोडिक टेबल के रूप में मनाने का फैसला किया है। विज्ञान दर्पण आवर्त सारणी की विशेषता के बारे में समझा रहा है, साथ ही विस्तार से यह भी बता रहा है कि रसायन विज्ञान के इतिहास में इसे सबसे सक्षम साधन क्यों माना जाता है। इस दुनिया में सभी कुछ छोटे कणों जिसे परमाणु कहते हैं से मिलकर बना है। वर्तमान में 118 विभिन्न प्रकार के परमाणु मौजूद हैं। अधिकांश चीजों में एक से अधिक प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं, लेकिन प्रकृति में कुछ चीजें केवल एक प्रकार के परमाणु के साथ अपने शुद्ध रूप में भी पाई जाती हैं, जिसे एक तत्व के रूप में जाना जाता है। उदाहरण के लिए, शुद्ध सोने के पिंड में केवल एक प्रकार का परमाणु ही निहित होता है। यदि हम सोने के पिंड को बड़ा कर देखें तो हम पाएंगे कि एक प्रकार के कई सोने के परमाणु उसमें निहित हैं। इसी प्रकार जब हम चांदी के पिंड को बड़ा करके देखते हैं तो हमें चांदी के कई परमाणु दिखाई देते हैं। चूंकि 118 प्रकार के परमाणु हैं तो इस प्रकार प्रत्येक के लिए एक यानी 118 प्रकार के तत्व भी होने चाहिए। इनमें से कई से हम अपने दैनिक जीवन में रूबरू होते हैं, जैसे कार्बन, लोहा और एल्युमिनियम। लेकिन अन्य तत्व जैसे कि एस्टेटिन या यूटर्बियम का नाम शायद ही हमने सुना होगा। लेकिन विज्ञान से जुड़े लोगों को कई तत्वों के साथ बहुत सारे नाम याद रखने होते हैं। ऐसे में सभी तत्वों को दर्शाने वाली एक सूची उपलब्ध है जो सबसे हल्के परमाणु हाइड्रोजन के साथ शुरू होकर सबसे भारी परमाणु वाले यूरेनियम के साथ खत्म होती है। इस सूची को आवर्त सारणी कहा जाता है। यह सभी ज्ञात रासायनिक तत्वों के परमाण्विक गुणों का संक्षिप्त प्रारूप है जिसमें चिन्ह, परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान और तत्वों के बीच संबंध शामिल हैं। सन 1869 में रूस के वैज्ञानिक दमित्री मेंडलीव ने आवर्त लॉ का सूत्र दिया और तत्वों की आवर्त सारणी का दूरदर्शी संस्करण बनाया, जिसमें न केवल उस वक्त के ज्ञात सभी तत्वों की सूची थी बल्कि अन्य अज्ञात तत्वों के लिए इस सूची में जगह छोड़ी गई थी। जब से मेंडलीव ने आवर्त सारणी प्रणाली पर काम किया था तब से लेकर अब तक इसे 150 वर्ष पूरे हो गए हैं। यूनेस्को ने सन 2019 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ द पीरियोडिक टेबल ऑफ केमिकल एलिमेंट्स के रूप में घोषित किया है। तब से लेकर अब तक इस आवर्त सारणी में कई संशोधन हुए हैं और आज यह विज्ञान की सबसे प्रमुख उपलब्धियों में से एक है। प्रत्येक तत्व और आंकड़ों को याद करने की बजाय हम फौरन एक नजर इस सारणी पर डालते हैं। यह तत्वों की क्रियाशीलता के बारे में बहुत कुछ बताती है, चाहे वह विद्युत प्रभाव हो, चाहे वह नरम हो या कठोर, या फिर तत्वों के कई अन्य विशेषताएं हों। एक बार वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने इस सारणी को समझ लिया तो वे इसे अपने पूरे प्रयोगों में लागू कर सकते हैं।
वर्तमान तथा आने वाले समय में जल तथा ऊर्जा की भारी चुनौतियों का सामना करने के लिए नवीनतम अनुसंधान आधारित तकनीकी समाधान उपलब्ध कराने की नई पहल की गई है। इस सिलसिले में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने 25 जनवरी को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास में सौर ऊर्जा तथा जल शोधन के लिए 3 प्रौद्योगिकी मिशन केंद्रों का शुभारंभ किया। ये केंद्र प्रभावशाली, कम लागत वाले तथा एक साथ क्रियाशील सौर ऊर्जा का उत्पादन तथा जल शोधन का प्रबंधन करेंगे। तीनों केंद्रों का निर्माण ऊर्जा की निरंतरता बनाए रखने के लिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत किया गया। पेश है विज्ञान दर्पण की ये विशेष रिपोर्ट। जीवन की गुणवत्ता निर्धारित करने वाले कारकों के निर्माण में ऊर्जा का महत्वपूर्ण योगदान है। भारत में ऊर्जा की अधिकांश जरूरतें जीवाश्म आधारित ईंधनों से पूरी होती हैं। जल विद्युत, परमाणु या नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा का योगदान बहुत कम है। इसे देखते हुए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय कम लागत वाले, कुशल तथा पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा उत्पादन तथा प्रबंधन में जुटा है। ऊर्जा के क्षेत्र में शोध तथा विकास में काफी प्रगति हुई है। इसी दिशा में 25 जनवरी को केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास में तीनों केंद्रों का उद्घाटन किया। ये 3 केंद्र हैं: डीएसटी आईआईटीएम सोलर एनर्जी हार्नेसिंग सेंटर, डीएसटी आईआईटीएम सेंटर फॉर सस्टेनेबल ट्रीटमेंट, रीयूज एंड मैनेजमेंट फॉर एफिशिएंट, अफोर्डेबल एंड सिनर्जिस्टिक सॉल्यूशन फॉर वाटर, तथा डीएसटी आईआईटीएम केजीडीएस टेस्ट बेड ऑन सोलर थर्मल डीसैलिनेशन सॉल्यूशंस। ये केंद्र मेक इन इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत ऊर्जा की निरंतरता बनाए रखने के लिए स्थापित किए गए हैं। देयर इज ए नीड फॉर ऑप्टिमल टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन सो दैट व्हाटएवर वी डू we are also benefited from the experience of others and others are also benefited from because science we know is all it is universal it is technology can be localized but science is universal it's for everyone it has to be shared with the rest of the world also a lot of programs in DST and the science ministry are helping supporting scientists इनमें डीएसटी आईआईटीएम सोलर एनर्जी हार्नेसिंग सेंटर विभिन्न क्षेत्रों में शोध तथा प्रौद्योगिकी विकास पर केंद्रित है, जैसे सिलिकॉन सोलर सेल्स जो भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल उच्च गुणवत्ता युक्त है। इस केंद्र का उद्देश्य एक ऐसा मंच तैयार करना है जो जांचे परखे ज्ञान का प्रचार प्रसार करे। दूसरा केंद्र है डीएसटी आईआईटीएम वाटर आईसी फॉर सूत्रम ऑफ इजी वाटर और डीएसटी आईआईटीएम वाटर इनोवेशन सेंटर फॉर सस्टेनेबल ट्रीटमेंट रीयूज एंड मैनेजमेंट फॉर एफिशिएंट अफोर्डेबल एंड सिनर्जिस्टिक सॉल्यूशंस। इसकी स्थापना अपशिष्ट जल प्रबंधन, जल उपचार, सेंसर का विकास, तूफान के जल का प्रबंधन तथा वितरण और जल संग्रह प्रणाली विकसित करने के उद्देश्य से की गई है। ये केंद्र अपशिष्ट जल प्रबंधन, जल उपचार, सेंसर का विकास तथा तूफानी जल के प्रबंधन क्षेत्रों में कार्य कर रहे विभिन्न उत्कृष्ट संस्थानों के बीच सहयोग का अवसर प्रदान करेगा ताकि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को पर्याप्त, सुरक्षित तथा भरोसेमंद पेयजल उपलब्ध हो। साथ ही इसका उद्देश्य शोध, अनुसंधान, विकास तथा क्षमता निर्माण के द्वारा अधिक प्रदूषण फैलाने वाले और भारी जल खपत वाले उद्योगों के लिए जल प्रसंस्करण करना है। दूसरी ओर डीएसटी आईआईटीएम केजीडीएस टेस्ट बेड ऑन सोलर थर्मल डीसैलिनेशन सॉल्यूशंस की स्थापना भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास तथा इंपीरियल केजीडीएस द्वारा तमिलनाडु के नरीपायूर की समस्या का समाधान पाने के लिए की गई है। ये बंगाल की खाड़ी के तट पर बसा एक बंजर गांव है जिसकी पानी की समस्या का समाधान तकनीकी के द्वारा तलाशा जा रहा है। इस तकनीकी में सौर ऊर्जा का इस्तेमाल कर तटीय क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटने पर हम आपको ले चलेंगे मोहाली, जहां पूरे उत्साह के साथ राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया। देखते रहिए विज्ञान दर्पण। आविष्कारों, प्रौद्योगिकियों तथा वैज्ञानिक सफलताओं को दर्शाने वाली फिल्में न सिर्फ मानव सभ्यता के लिए बल्कि पर्यावरण और हमारे आसपास की दुनिया के लिए भी महत्वपूर्ण हैं।
विज्ञान संचारकों तथा फिल्म निर्माताओं की पहल को मान्यता देने तथा जन भागीदारी में उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए मोहाली स्थित चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में 27 से 31 जनवरी तक राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव का 9वां संस्करण आयोजित किया गया। महोत्सव का आयोजन भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के साथ कार्यरत स्वायत्त शासी संस्थान विज्ञान प्रसार ने चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के साथ मिलकर किया। महोत्सव में विज्ञान पर आधारित दुनिया भर की करीब 100 फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। पेश है विज्ञान दर्पण की ये दिलचस्प रिपोर्ट। पूरी दुनिया में अपनी सोच और अपने विचारों को फैलाना हो तो फिल्म से बेहतर और प्रभावी माध्यम कोई नहीं, विशेषकर जब वैज्ञानिक अनुसंधान, प्रौद्योगिकी और खोज का प्रचार प्रसार करना हो तो विज्ञान पर आधारित फिल्में या वृत्तचित्र से बेहतर माध्यम क्या हो सकता है। भारत जैसे तेजी से विकास कर रहे देश में प्रतिदिन अनगिनत अनुसंधान और खोज होते हैं। फिल्में और वृत्तचित्र वैज्ञानिक प्रगति को आसानी से समझने और आम आदमी तक पहुंचने के योग्य बनाती हैं। सरकार ने आम लोगों में वैज्ञानिक अभिरुचि उत्पन्न करने के लिए कई कार्यक्रम आरंभ किए हैं। इसी कड़ी में एक पहल है राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव, जिसका आयोजन साल 2011 से प्रतिवर्ष किया जा रहा है। इस वर्ष भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत कार्यरत स्वायत्त शासी संस्थान विज्ञान प्रसार ने चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के साथ संयुक्त रूप से 27 से 31 जनवरी तक मोहाली में 9वें राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव का आयोजन किया। समारोह में प्रसिद्ध वृत्तचित्र निर्माता तथा प्रस्तुतकर्ता श्री सिद्धार्थ काक तथा विज्ञान प्रसार के निदेशक डॉक्टर नकुल पाराशर भी शामिल हुए। राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव का उद्देश्य देश में विज्ञान संचार के महत्व पर जोर देते हुए युवाओं में वैज्ञानिक सोच को प्रोत्साहन देना है, ताकि विज्ञान, तकनीकी, खोज, ऊर्जा, पर्यावरण, चिकित्सा, कृषि तथा पारंपरिक ज्ञान का प्रचार प्रसार हो। महोत्सव में 88 भारतीय तथा 17 विदेशी फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। इस वर्ष चयनित फिल्मों को 5 शीर्षकों में वर्गीकृत किया गया था। पहला वर्ग था इंटरफेस, जिसमें सरकारी तथा गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्रायोजित फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। फ्यूजन वर्ग में स्वतंत्र फिल्म निर्माताओं तथा प्रोडक्शन हाउस निर्मित फिल्में प्रदर्शित की गईं। आउट ऑफ द बॉक्स वर्ग में कॉलेज के छात्रों की बनाई फिल्में दिखाई गईं, जबकि रेनबो वर्ग में 6ठी से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले स्कूली छात्रों की बनाई फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। इनके अलावा महोत्सव में अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस तथा इटली की बनी फिल्में भी दिखाई गईं। राष्ट्रीय ज्यूरी तथा स्क्रीनिंग कमेटी के 18 सदस्यों ने विभिन्न वर्गों के विजेताओं का चयन किया। इनमें फिल्म उद्योग तथा विज्ञान संचार के कुछ प्रसिद्ध नाम जैसे माइक पांडे, शंभुनाथ सिंह, शरद दत्त, सांत्वना बरदोलोई, चंद्रमोहन नौटियाल, बॉबी शर्मा बरुआ, हेमंत जोशी, शैलेंद्र धर तथा निमिष कपूर शामिल थे। मुझे बताते हुए खुशी है कि बहुत बड़ी संख्या में फिल्मेकर्स यहाँ देश से इकट्ठे हुए हैं और सेलिब्रिटीज़ जो जाने माने नाम हैं फिल्म की दुनिया के, सिद्धार्थ काक साहब जो एक मशहूर टेलीविज़न एंकर हैं, डॉक्यूमेंट्री फिल्मेकर हैं, और बहुत सारे चर्चित नामी ग्रामी हस्ती यहाँ पर आ रहे हैं। कोशिश यही है कि हम बॉलीवुड और साइंस की दुनिया के लोगों को एक मंच पर लाएँ और कोशिश करें कि साइंस और मीडिया एक दूसरे की भाषा को समझे। फिल्म प्रदर्शन के अलावा विज्ञान वृत्तचित्र तथा विज्ञान संचार के लिए शोध तथा लेखन के लिए विशेष कक्षाओं का आयोजन किया गया। विज्ञान फिल्म निर्माण के विभिन्न चरणों की शिक्षा देने के लिए सिनेमेटोग्राफी पर कई सामूहिक गतिविधियां तथा प्रायोगिक सत्र आयोजित किए गए। 5 दिनों तक चले राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव ने ऐसे सभी फिल्म निर्माताओं, छात्रों, विज्ञान संचारकों तथा अन्य लोगों को देश में विज्ञान फिल्में बनाने का वातावरण तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया, जिन्हें विजुअल माध्यम से विज्ञान संचार में दिलचस्पी है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के एक पूर्वानुमान के मुताबिक विश्व की जनसंख्या वर्तमान 680 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2050 तक 910 करोड़ हो जाएगी। जनसंख्या में वृद्धि के कारण वैज्ञानिकों को अधिक उत्पाद करने वाली फसलों की प्रजातियां विकसित करनी होंगी। नई दिल्ली के राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक फसलों की ऐसी प्रजातियां विकसित करने में जुटे हैं जिनसे प्रतिकूल वातावरण में भी अधिक उत्पादन हो सके। अब उन्होंने कुछ ऐसे वंशाणुओं की पहचान की है जिनसे टमाटर की फसल सूखा, खारापन, ठंड और संक्रमण जैसी विभिन्न समस्याएं झेल सकती हैं। पेश है विज्ञान दर्पण की ये विशेष रिपोर्ट।
हर वर्ष 16,000 मेट्रिक टन टमाटर उत्पन्न करने वाला भारत चीन के बाद दुनिया में दूसरा सर्वाधिक टमाटर उत्पन्न करने वाला देश है। अपने विशेष स्वाद के कारण टमाटर विभिन्न व्यंजनों का अभिन्न अंग है, जिसके कारण इसकी अहमियत बढ़ जाती है। दूसरी और दो प्रमुख कारणों से टमाटर की फसल को भारी नुकसान झेलना पड़ता है। पहली परेशानी या फिर जैविक परेशानी कीड़े, कीटाणु, फंगाई और वायरल संक्रमण के रूप में होती है। दूसरी परेशानी मौसम को लेकर है, जैसे अत्यधिक गर्मी, उच्च आर्द्रता, सूखा, पानी का जमाव या मिट्टी में अधिक खारापन, जिन्हें अजैविक परेशानी कहते हैं। इन परेशानियों के कारण किसानों और कृषि से जुड़े अन्य क्षेत्रों को नुकसान झेलना पड़ता है। अब नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान यानी NIPGR के वैज्ञानिकों ने इन समस्याओं का समाधान खोज निकाला है। In natural environment, there are two kinds of stresses. One is the biotic stress, another is the abiotic stress. In biotic stress, basically it is bacteria, fungi, viruses, weeds, and in abiotic stress is mainly from the external environment like drought, salinity, and heat, cold, etc. So plants encounter both the stresses at the same time, and that's why it is combined stress. And we worked both biotic and abiotic, and also for the combined stress. आमतौर पर पौधों की परेशानियों को ऐसी किसी भी स्थिति या जीवित और निर्जीव कारक के रूप में परिभाषित किया जाता है जो पौधों के सामान्य विकास में बाधा पहुंचाते हैं। पौधों की परेशानियों को मुख्य रूप से जैविक तथा अजैविक दो भागों में बांटा गया है। जैविक परेशानियां जीवित जीवों के कारण, जबकि अजैविक परेशानियां निर्जीव कारणों से होती है। प्रत्येक जीवित कोशिका एक विशेष प्रक्रिया का अनुसरण करती है, जिसे सेंट्रल डॉग्मा ऑफ लाइफ कहते हैं। इस प्रक्रिया में DNA के गुण RNA में स्थानांतरित होते हैं। RNA उन्हें प्रोटीन में परिवर्तित करता है। अनुवांशिक जानकारियां प्रोटीन के द्वारा ही प्राप्त होती हैं, जिन्हें शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक्स कहा जाता है। परेशानियों के कारण ये प्रक्रिया प्रभावित होती है, जिसका असर उत्पादन पर पड़ता है। हालांकि विपरीत परिस्थितियों में भी कुछ प्रजातियां बची रहती हैं और विकसित होती हैं। इसका कारण कुछ विशेष प्रकार के वंशाणु होते हैं, जिन्हें स्ट्रेस टॉलरेंट जीन्स कहा जाता है। NIPGR में डॉक्टर मनोज प्रसाद के दिशा निर्देश में वैज्ञानिकों के एक दल ने कई प्रयोगों के बाद टमाटर में SLDEAD-23 तथा SLDEAD-35 नामक दो वंशाणुओं की पहचान की है। ये वंशाणु टमाटर को वायरल कीटाणु, संक्रमण, सूखा, गर्मी, ठंड और अधिक खारापन की स्थितियां बर्दाश्त करने के अनुकूल बनाती है। परेशानियों के प्रति संवेदनशील पौधों में स्ट्रेस टॉलरेंट जीन्स मिलाने से इन वंशाणुओं का प्रभाव स्पष्ट दिखता है। SLDEAD-23 तथा SLDEAD-35 वंशाणुओं को मिलाने से टमाटर में परेशानियां झेलने की क्षमता बढ़ जाती है। So we will introduce or introgress this fragment of SLDRAP-35 in the high yielding susceptible cultivar through breeding, genomic assisted breeding, so that we can develop a stress tolerant plant which can be combat both biotic and abiotic stress. फिलहाल इस दिशा में कार्य चल रहा है और अगर सब कुछ सही प्रकार से चलता रहा तो भारत टमाटर की ऐसी प्रजाति विकसित करने वाला पहला देश होगा जो विभिन्न कृषि और मौसमी परिस्थितियों में किसानों की आवश्यकताएं पूरी कर सकेगा। इस शोध कार्य को बायोटेक्नोलॉजी विभाग तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग से वित्तीय मदद प्राप्त हुई है। और फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे देश और दुनिया के कुछ और नए वैज्ञानिक खोज। देखते रहिए विज्ञान दर्पण। इंडिया साइंस एक इंटरनेट आधारित विज्ञान वेब चैनल है। ये चैनल भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया है, जिसका कार्यान्वयन और प्रबंधन विज्ञान प्रसार कर रहा है। इंडिया साइंस www.indiascience.in पर उपलब्ध है। इस द्विभाषीय चैनल की विषय वस्तु हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। इस चैनल को इंटरनेट की सुविधा वाले किसी भी उपकरण पर देखा जा सकता है। ये वीडियो प्लेटफॉर्म विज्ञान और प्रौद्योगिकी के ज्ञान के प्रसार हेतु समर्पित है। विशेषकर भारतीय दृष्टिकोण, लोकाचार और सांस्कृतिक संदर्भ में वैज्ञानिक जागरूकता फैलाने के लिए दृढ़ प्रतिबद्ध है।
ये पहल विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित है। इंडिया साइंस मोबाइल एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। और आइए अब तेज रफ्तार से नजर डालते हैं देश और दुनिया की कुछ और दिलचस्प वैज्ञानिक गतिविधियों पर। अमेरिका में सेंटर फॉर लूनर साइंस एंड एक्सप्लोरेशन के वैज्ञानिकों ने धरती की प्राचीनतम चट्टान खोज निकाली है। ये चट्टान चंद्रमा से अपोलो 14 के अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा लाया गया नमूना हो सकता है। वैज्ञानिकों को इस बात के सबूत मिले हैं कि भारी शुद्ध ग्रह या पुच्छल तारे से टकराने से धरती से ये चट्टान उछलकर चंद्रमा तक पहुंच गया था। ये चट्टान 400 से 410 करोड़ वर्ष पूर्व धरती की सतह से 20 किलोमीटर नीचे जम गया था। ये शोध अर्थ एंड प्लानिटरी साइंस लेटर पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो भारी पेलोड उठाने वाले GSLV मार्क 3 का उन्नयन कर रहा है। पेलोड की क्षमता बढ़ाने के लिए अंतरिक्ष यान के ऊपरी भाग में ईंधन के रूप में केरोसिन के अत्यंत परिष्कृत रूप का इस्तेमाल किया जाएगा। ये ईंधन तरल ऑक्सीजन तथा केरोसिन के अत्यंत परिष्कृत रूप कैरोलॉक्स से बना होगा। ये ईंधन सस्ता है, कमरे के तापमान पर अधिक स्थायी है तथा कम हानिकारक है। GSLV मार्क 3 की पेलोड क्षमता 4 टन से 6 टन तक बढ़ाने के लिए अंतरिक्ष यान के विभिन्न चरणों में सुधार किए जा रहे हैं। पहले समानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र यानी HSFC का उद्घाटन 30 जनवरी 2019 को बेंगलुरु में इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरी रंगन ने किया। ये केंद्र गगनयान मिशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए कार्यरत रहेगा, जिसमें अभियान की योजना, अंतरिक्ष में सदस्यों को जीवित रखने के लिए आवश्यक इंजीनियरिंग प्रणाली का विकास, सदस्यों का चयन तथा प्रशिक्षण शामिल है। HSFC मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र के अंतर्गत गगनयान की पहली उड़ान के लिए इसरो के वर्तमान केंद्रों की मदद लेगा। कार्यक्रम में गगनयान के क्रू मॉड्यूल का संपूर्ण नमूना भी अनावृत किया गया। सभी क्षेत्रों में जन सेवा की उत्कृष्ट गतिविधियों के लिए भारत सरकार लोगों को पद्म विभूषण, पद्म भूषण तथा पद्मश्री पुरस्कारों से सम्मानित करती है। इस वर्ष 27 जनवरी को घोषित नामों में से कुछ नाम विज्ञान के क्षेत्र से भी हैं। बेंगलुरु के दो वैज्ञानिकों प्रोफेसर रोहिणी गोडबोले तथा प्रोफेसर शारदा श्रीनिवासन को प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रोफेसर रोहिणी गोडबोले भारतीय विज्ञान संस्थान के सेंटर फॉर हाई एनर्जी फिजिक्स में, जबकि प्रोफेसर शारदा श्रीनिवासन बेंगलुरु के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज में प्राध्यापिका हैं। चीन ने चंद्रमा के दूसरी ओर पड़ने वाली सतह पर बीजारोपण किया है। ये पौधा चंद्रमा की सतह पर पैदा होने वाला पहला पौधा होगा। चीन के वैज्ञानिकों को चंद्रमा पर अगले 100 दिनों में आलू उगाने की उम्मीद है। चीन का चेंज फॉर अंतरिक्ष यान अपने साथ वायुरोधी कंटेनर ले गया है, जो विपरीत परिस्थितियों में फसल उगाने के अनुकूल है। भविष्य में प्रयोगों के लिए इस कंटेनर में अन्य सामग्रियों के अलावा सिल्क के कीड़ों के अंडे तथा फलों में लगने वाली मक्खियां भी मौजूद हैं। और विज्ञान के इतिहास में इस हफ्ते हम याद कर रहे हैं रॉबर्ट विलियम हॉले को। उनका जन्म 28 जनवरी 1922 को अमेरिका के इलिनॉय में हुआ था। वे एक जैव रसायन विज्ञानी थे जिन्होंने राइबोन्यूक्लिक एसिड या RNA पर शोध किया था। उन्होंने प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया में RNA के योगदान की खोज की। इस महत्वपूर्ण खोज के कारण उन्हें वर्ष 1968 में मार्शल वॉरेन मिरेनबर्ग तथा हरगोबिंद खुराना के साथ संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनका शोध कार्य अनुवांशिक कोड की व्याख्या तथा प्रोटीन संश्लेषण में इसके योगदान पर था। अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए हॉले को कई अन्य पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया, जैसे वर्ष 1965 में मूलभूत चिकित्सकीय शोध के लिए अल्बर्ट लैस्कर पुरस्कार तथा वर्ष 1967 में आणविक जीव विज्ञान के लिए नेशनल अकेडमी ऑफ साइंसेज पुरस्कार। 11 फरवरी 1993 को अमेरिका में उनका निधन हो गया। जैव रसायन विज्ञान के क्षेत्र में उनका शोध वैज्ञानिकों तथा जीव विज्ञानियों के बीच प्रोटीन संश्लेषण की बेहतर समझ विकसित करने में मददगार साबित हुआ है।
इस सप्ताह के विज्ञान दर्पण के एपिसोड में इतना ही। ये एपिसोड आपको कैसा लगा इस बारे में अपने विचार हमें जरूर भेजें। आप अपने सुझाव हमें हमारे ईमेल पते ddscience@vigyanprasar.gov.in पर भेज सकते हैं। आप पत्र द्वारा भी हमें सुझाव भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, A50 इंस्टीट्यूशनल एरिया, Sector 62, नोएडा, उत्तर प्रदेश 20130309। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे विज्ञान की नई खोज, आविष्कार और समाचारों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। Hello and welcome to Science This Week, a show that brings to you the most significant news from the world of science, technology, innovation, research, discoveries and much more. I'm Shivam Dutt Mehta and here are this week's headlines. On the 150th anniversary of the periodic table, UNESCO celebrates year 2019 as the International Year of the Periodic Table of Chemical Elements. Dr. Harsh Vardhan, Union Minister of Science and Technology, launches technology mission centers on solar energy and water treatment in Chennai. The 9th National Science Film Festival of India, held from 27 to 31st January in Mohali, with the objective to inculcate scientific temper and make science more accessible to the common man. Scientists at NIPGR in New Delhi have found a way to develop a new tomato variety, tolerant to conditions like heat, cold, salinity and infestation. In almost every chemistry lab hangs a chart called the periodic table. This table was created way back in 1869 by a Russian chemist, Dmitry Mendeleev, who wrote down a list of known elements and then arranged them in columns and rows according to their chemical and physical properties. It is a unique tool that enables scientists and researchers to predict the appearance and properties of matter on the Earth and rest of the universe. To celebrate the 150th anniversary of this pivotal moment in science, UNESCO has declared 2019 to be the International Year of the Periodic Table. Science This Week decodes the periodic table and explains why it is called the most powerful tool in the history of chemistry. Everything in this world is made up of tiny particles called atoms. At present, there are 118 different types of atoms. Most things have more than one kind of atoms in them. But certain things occur in nature in their purest form, with only one kind of atom, which is known as an element. For example, a lump of pure gold contains only one kind of atom. If we zoom into a lump of gold, we will find a number of gold atoms. Similarly, if we zoom in a lump of silver, we can see many silver atoms. Since there are 118 kind of atoms, there must be 118 elements too, one for each kind. Out of these, we come across many in our daily lives like carbon, iron and aluminium, but might have not heard about other elements like astatine and ytterbium. With so many elements, there are a lot of names to remember. Fortunately, there's a list showing all the elements. It starts with the element with the lightest atoms, that is hydrogen, and ends with the element with the heaviest atoms, which is uranium. This list is called the periodic table. It describes the atomic properties of every known chemical element in a concise format, including the symbol, atomic number, atomic mass, and relationships between the elements. In 1969, Dmitry Mendeleev, a Russian scientist, formulated the periodic law
and created a far-sighted version of the periodic table of elements, which not only had the list of 10 discovered elements, but it also left space for the undiscovered elements as well. Year 2019 marks the 150th anniversary since Dmitri Mendeleev came out with the periodic table system, and UNESCO has proclaimed it as the International Year of the Periodic Table of Chemical Elements. There have been numerous modifications in the periodic table since then, and today it is one of the most significant achievements in science. Rather than memorizing facts and figures for each element, a quick glance at the table reveals a lot about the reactivity of an element, whether it is likely to conduct electricity, whether it is hard or soft, and many other characteristics. Once scientists and researchers understand this data, they can apply it in their experiments. To provide state-of-art research-led innovative technological solutions for prevalent and emerging water and energy challenges facing the country, the Union Minister for Science and Technology, Dr. Harshvardhan, launched 3 technology mission centers for solar energy and water treatment at Indian Institute of Technology, Madras, on 25th January. The centers will provide efficient, affordable, and synergetic solutions for harnessing solar energy and water treatment and management. The 3 centers have been envisioned to address the energy sustainability requirements in the spirit of Make in India. Science This Week brings you a report. Energy forms the part of matrix that defines the quality of life. Currently, India's energy requirements are met to a major extent by fossil fuels and to a small extent by hydroelectricity, nuclear and renewable sources. The Ministry of Science and Technology is engaged in R&D for economic, efficient and environmentally safe energy generation and management and has made significant contribution to the energy sector. In a recent step in this direction, on 25th January, the Union Ministry for Science and Technology, Earth Sciences and Environment, Forests and Climate Change, Dr. Harshvardhan, launched 3 centers at Indian Institute of Technology, Madras. The centers are DST-IITM Solar Energy Harnessing Center, DST-IITM Center for Sustainable Treatment, Reuse and Management for Efficient, Affordable and Synergetic Solutions for Water, and DST-IITM KGDS Test Bed on Solar Thermal Desalination Solutions. The centers have been set up to address the sustainability requirements in the spirit of Make in India. There is a need for optimal type of coordination so that whatever we do, we are also benefited from the experience of others, and others are also benefited from, because science we know is all, universal, technology can be localized, but science is universal, it's for everyone, it has to be shared with the rest of the world also. A lot of programs in DST and the science ministry are helping, supporting scientists. One of the centers, the DST-IITM Solar Energy Harnessing Center, will focus on a wide range of research and technology development activities such as silicon solar cells that promise high efficiency and are suited for Indian conditions. The objective of the center is to create a platform that can be extended readily to strengthen the knowledge ecosystem. Second in line is the DST-IITM Water Innovation Center for Sustainable Treatment, Reuse and Management for Efficient, Affordable and Synergistic Solutions. It has been established with an aim to undertake research and training programs on various issues related to wastewater management, water treatment, sensor development, stormwater management and distribution and collection systems. The center will provide a unique opportunity for the various groups in different premier organizations working in the area of wastewater management, water treatment, sensor development and stormwater management to collaborate and work in synergized manner to ensure adequate, safe, reliable and sustainable sources of drinking water for rural and urban India and process water for highly polluting and water-intensive industries through research, technology, development and capacity building. On the other hand, the test bed on solar thermal desalination solutions.
are being established by IIT Madras and Imperial KGDS as solution providers in Naripayur, Tamil Nadu. It aims to provide customized technological solutions to address prevalent water challenges in the arid coastal villages located on the shores of the Bay of Bengal. The development would provide customized technological water solutions to provide potable water to coastal areas using solar energy. It's time for a short break. When we return, we take you to Mohali, where the 9th National Science Film Festival was held with great enthusiasm. But that's after a short break. Keep watching Science This Week. Watch DD Science for interesting scientific breakthroughs, discoveries, and experiments that change the world. For decoding science in everyday life. Watch Science This Week every Monday from 5:30 to 6 p.m. on DD National. This episode of Building Blocks of Bharat explores the evolution of the arch and the dome in a range of monuments in India, and then up the miraculous iron pillar that doesn't rust in Qutub Minar, and finally the science behind the enormous doorway in Fatehpur Sikri. Join us on our journey through the details in Indian architecture. Films that showcase innovations, technologies, and scientific breakthroughs are important for not only the human civilization, but also the environment and world around us. To recognize the initiatives of science communicators and filmmakers and encourage public participation, the 9th edition of the National Science Film Festival of India was held at Chandigarh University, Mohali, from 27 to 31st January. The event was organized by Vigyan Prasar, an autonomous organization of the Department of Science and Technology, Government of India, and Chandigarh University. Around 100 films highlighting the importance of science and its myriad fields from around the world were screened at the event. Science This Week brings you a report. Films are the strongest and the most powerful medium to share thoughts, expressions, and ideas with the entire world, especially when the subject is related to scientific innovations, technology, and discovery. What else can be a better medium than a science film or a documentary? In a fast-progressing country like India, there are numerous innovations and discoveries made every day. Films and documentaries make these scientific developments easily understandable and accessible to the common man. The government has taken many initiatives to encourage a scientific temperament among the masses through various programs. One such major step in this regard is the National Science Film Festival, which is being held every year since 2011. Vigyan Prasar, an autonomous organization of the Department of Science and Technology, in collaboration with the Chandigarh University, organized the 9th National Science Film Festival this year from 27th to 31st January in Mohali. The event was marked by the presence of Sri Siddharth Kak, a veteran documentary maker and presenter, and Dr. Nakul Parashar, director Vigyan Prasar. Laying emphasis on science communication in the country, the National Science Film Festival aimed to promote scientific aptitude among the youth through films that popularize science, technology, innovation, energy, environment, medicine, agriculture, and traditional knowledge. 88 Indian and 17 foreign films were screened at the event. This year, the shortlisted films were categorized under 5 categories. Interface, under which films sponsored by government and non-government institutes were screened. Fusion, in which films made by independent filmmakers and production houses were screened. Out-of-the-box category included films made by college students, while Rainbow included films made by school students between 6th and 12th standards. Apart from this, foreign films from countries like US, UK, Germany, France, and Italy were also screened. 18 members of the National Jury and Screening Committee chose the winners under various categories. The jury comprises of some prominent names from the film industry and science communication like Mike Pandey, Shambhunath Singh, Sharad Dutt,
सांत्वना बारडोली, चंद्रमोहन नौटियाल, बॉबी शर्मा बरुआ, हेमंत जोशी, शैलेंद्र धर एंड निमिष कपूर। मुझे बताते हुए खुशी है कि बहुत बड़ी संख्या में फिल्म मेकर्स यहाँ देश से इकट्ठे हुए हैं और सेलिब्रिटीज जो जाने माने नाम हैं फिल्म की दुनिया के, सिद्धार्थ काक साहब जो एक मशहूर टेलीविज़न एंकर हैं, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हैं, और बहुत सारे चर्चित नामी गिरामी हस्ती यहाँ पर आ रहे हैं। कोशिश यही है कि हम बॉलीवुड और साइंस की दुनिया के लोगों को एक मंच पर लाएँ और कोशिश करें कि साइंस और मीडिया एक दूसरे की भाषा को समझे। Apart from the film screenings, various masterclasses on research and scripting of science documentaries and art of science communications were also organized. Several group activities along with hands-on sessions on cinematography and editing were also held to educate about the various stages of science video production. The 5-day National Science Film Festival provided an opportunity to filmmakers, students, science communicators and all others who are interested in communicating science through visual medium. According to the prediction of the Food and Agricultural Organization of the United Nations, the world population will grow from 6.8 billion to 9.1 billion by 2050. For this, scientists will need to develop newer varieties of crops giving higher yields. Scientists at the National Institute of Plant Genome Research in New Delhi have been working to develop varieties which provide higher yields even under adverse environmental conditions. In fact, they have successfully identified certain genes that can help make a tomato crop variant tolerant to a variety of stresses like drought, salinity, cold and infestation. Our Science This Week brings you this report. With annual production of 16,000 metric tons, India is the second largest producer of tomato in the world after China. Owing to its unique flavor, tomato has become one of the most important components of several cuisines, which makes it an important crop. On the other hand, tomato crop is facing significant losses due to two major threats. The first threat, or biotic, comes from attack by living organisms such as insects, pests, bacteria, fungi, and viral infections. The second threat, or abiotic stress, is a threat from environmental conditions such as extreme heat, high humidity, drought, waterlogging, or high soil salinity, which is termed as abiotic stress. A failure to manage these stresses causes financial losses to farmers and agriculture allied sectors. Now, scientists at the National Institute of Plant Genome Research, or NIPGR in New Delhi, have come up with a potential solution for this problem. In natural environment, there are two kinds of stresses. One is the biotic stress, another is the abiotic stress. In biotic stress, basically it is bacteria, fungi, viruses, weeds, and in abiotic stress is mainly from the external environment like drought, salinity, and heat, cold, etc. So plants encounter both the stresses at the same time, and that's why it is combined stress. And we worked both biotic and abiotic, and also for the combined stress. Usually, plant stress is defined as any situation or factors, including living or non-living things, which affects normal growth of a plant. Plant stress is mainly divided in two forms, biotic and abiotic stress. Biotic stress is a situation caused due to the living organisms, and abiotic stress is caused due to non-living stress. Every living cell follows a pattern known as central dogma of life, where genetic information is transferred from DNA to RNA, and RNA is decoded into proteins. Proteins are an ultimate expression of genetic information, and they are called the building blocks of body. Stress affects this process and ultimately damages yields. However, certain species do survive in harsh conditions and manage to grow because they have specific genes known as stress-tolerant genes. With great efforts and a series of experiments, scientists at NIPGR under the guidance of Dr. Manoj Prasad have identified two genes named SLDEAD23 and SLDEAD35 in tomato. These genes make tomato plants tolerant against variety of stresses such as viral, bacterial infections, drought conditions, heat, cold, and high salt concentration. The effectiveness of stress-tolerant genes are confirmed by inserting them into stress-susceptible plants
where overexpression of SLDEAD23 and SLDEAD35 converted stress-susceptible plants to stress-tolerant one. So we will introduce or integrate this fragment of SLDRAP35 in the high-yielding susceptible cultivar through breeding, genomic acid breeding, so that we can develop a stress-tolerant plant which can be combat both biotic and abiotic stress. The work is under progress in this direction, and if everything goes well, India may be the first in queue to develop a tomato variety that caters to the need of farmers from different agroclimatic zones. The research work was supported by funds from Department of Biotechnology and Department of Science and Technology. It's time for a short break, but stay tuned for more interesting science news on Science This Week. India Science is an internet-based science TV channel initiated by the Department of Science and Technology, Government of India, implemented and managed by Vigyan Prasar. India Science on the URL www.indiascience.in is a bilingual channel with content in Hindi and English. It can be accessed on any internet-enabled device. This video platform is dedicated to science and technology knowledge dissemination with a strong commitment to spreading scientific awareness, especially with Indian perspectives, ethos and cultural context. The India Science mobile app can be downloaded from the Google Play Store and Apple Store. Welcome back. Let's now take a quick look at some more scientific innovations and developments from India and around the world. Scientists at the Center for Lunar Science and Exploration in United States of America have discovered the Earth's oldest rock, which may be a lunar sample returned from the moon by Apollo 14 astronauts. They have found evidence that the rock was launched from the Earth by a large impacting asteroid or comet. The rock crystallized about 20 kilometers beneath Earth's surface 4 to 4.1 billion years ago. The study was published in the journal Earth and Planetary Science Letters. The Indian Space Research Organization, or ISRO, is working on upgrading its heavy lifter GSLV Mk3. The upper stage of the rocket will have highly refined form of kerosene as fuel in order to increase its payload capability. The fuel is made of liquefied oxygen and a highly refined form of kerosene also known as Kerolox. This fuel is also cheaper, more stable at room temperature and less hazardous. To increase the payload capability of GSLV Mk3 from 4 tons to 6 tons, improvements are also being made in the rocket stages. The first Human Space Flight Center, or HSFC, was inaugurated by Dr. Kasturi Rangan, former chairman ISRO, on 30th January 2019 in Bengaluru. The center shall be responsible for implementation of Gaganyaan project, which involves mission planning, development of engineering systems for crew survival in space, crew selection and training. HSFC will take support of the existing ISRO centers to implement the first development flight of Gaganyaan under Human Space Flight Program. A full-scale model of Gaganyaan's crew module was also unveiled during this event. The Padma Vibhushan, Padma Bhushan and the Padma Shri are three separate awards given by the Government of India to recognize achievements in all fields of activities or disciplines towards public service. As the awards were announced on 27 January, some names stood out in the field of science. Professor Rohini Godbole and Professor Sharda Srinivasan, two Bangalore-based scientists, were conferred with the prestigious Padma Shri Award. Professor Rohini Godbole is a professor at the Center for High Energy Physics, Indian Institute of Science, Bangalore. Professor Sharda Srinivasan is a professor at the National Institute of Advanced Studies in Bangalore.
China has sprouted a seedling on the far side of the moon, becoming the first plant life ever to grow on the lunar landscape. They now hope to grow potatoes on the moon within the next 100 days. The Change 4 spacecraft carried an airtight container designed for growing crops in shocking conditions. To continue the experiment, the container also has silkworm eggs and fruit flies, among others. In the history of science this week, we remember Robert William Holley. He was born on 28 January 1922 in Illinois, USA. He was a biochemist whose research work focused on the ribonucleic acid, or RNA. He worked for 10 years on determining the structure and sequencing of the RNA. In 1968, he won the Nobel Prize in Physiology or Medicine, which was shared with Marshall Warren Nirenberg and Hargobind Khurana. Their research work was focused on the interpretation of the genetic code and its function in protein synthesis. For his valuable contribution, Holley won several other awards, like Albert Lasker Award for Basic Medical Research in 1965 and National Academy of Sciences Award in Molecular Biology in 1967. He passed away on 11 February 1993 in the United States. His research in the field of biochemistry has helped scientists and biologists to understand the complex process of protein synthesis in a better way. Well, that is all for this episode of Science This Week. You can send your feedback and suggestions to Science This Week on our email ID, ddscience@vigyanprasar.gov.in. You can also write in to us at Vigyan Prasar, A50 Institutional Area, Sector 62, Noida, Uttar Pradesh, 201309. We'll see you again next week with another episode of Science News and Innovations. Goodbye.